मटर जो हैं सर्दियों में बहुत ही बढ़िया आते हैं, और उसी समय जो सेब हैं वाशिंगटन एप्पल भी बहुत बढ़िया आते हैं। मैं जो रेसिपी बना रहा हूँ उसमें मुझे चाहिए ये वाले सेब और मटर मेरे पास हैं। थोड़ा सा कुछ और लेता हूँ, मैं एक सूप बना रहा हूँ। गार्लिक और फिर प्याज, प्याज को भी पील कर लेते हैं। सूप बनेगा हमारा सेब के साथ में। स्टडीज बताती हैं कि चाहे डायबिटीज हो, अस्थमा हो, हार्ट डिजीज हो, उसमें फ़ायदा करता है सेब। ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, तो ये जो लहसुन है क्रश कर दिया। चलो ऑलिव ऑयल और उसमें ये गार्लिक, ये मेरे पास ग्रैनी स्मिथ वॉशिंगटन एप्पल, ये हरे वाले जो सेब हैं ये ले लेते हैं। इसको पकने के लिए रख देते हैं, और इसके अंदर आलू भी डालना है, और आलू से उसमें उसका जो टेक्सचर है वो बहुत बढ़िया आ जाता है। थोड़े पतले पीसेस रफली काट के, मेरे पास ये वेजिटेबल स्टॉक मैंने बना के रखा हुआ है, और नमक, इसमें पेपर, मटर, ये इसके अंदर हम डाल देते हैं। ये जो सूप है मैं वॉशिंगटन एप्पल के साथ में बना रहा हूँ, इसमें मैंने जो हरे वाले वॉशिंगटन एप्पल हैं उससे इसको बना रहा हूँ, और इसको पेयर कर रहा हूँ ग्रीन पीस के साथ में। तो ये जो एप्पल चटनी है इससे मैं इसको गार्निश करूँगा। ये हमारी सूप की गार्निश। तो अब समय आ गया है इसको अच्छी तरह से पीसने के बाद, अब इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो गया है। थोड़ी सी क्रीम डाल के इसको फिनिश करते हैं, एंड दैट्स इट। जो चटनी है वो खट्टी मीठी तीखी चटनी है सेब की, उससे बाइट भी आएगी, टेक्सचर भी आएगा। नाइस एंड क्रीमी ग्रीन पीज एंड ग्रीन एप्पल सूप, और सर्व करते हैं अपने सूप को। बढ़िया सूप, नाइस टेस्टी डिलिशियस। थोड़ी सी और गार्निश माइक्रो ग्रीन्स की, पी के देखिए, खा के देखिए, या सूप को पिया भी जाता है, खाया भी जाता है। बस इसी तरह से खाते पीते रहिए और खुश रहिए।